सत श्री अकाल जी, मैं अमनप्रीत सिंह, वॉइस ऑफ पंजाब टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। करनाल के बस्ताड़ा विच किसानां दे उत्ते होए लाठीचार्ज का मामला हुण गरमाउंदा ही जा रहा है। लोगों का जिहड़ा गुस्सा है वह सातवें आसमान पर है। हर कोई इस लाठीचार्ज की निंदा कर रहा है। किसान आगुआं ने भी चक्का जाम का जिहड़ा सद्दा दिता है। कल भी हरियाणे चक्का जाम रहा, अज दो घंटियां दे लई पंजाब अते हरियाणे दे विच चक्का जाम का सद्दा दिता गया है। इस दे विच जो वीडियो सब तो ज़्यादा वायरल हो रही है वह ड्यूटी मजिस्ट्रेट की है, जो अपने पुलिस जिहड़े सिपाहियां नूं कहिंदे नज़र आ रहे हैं कि डंडा सीधा सिर च मारना है। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट लिखित दे विच तुहानूं ऑर्डर दिंदा। इस वीडियो के सामने आने तो बाद हरियाणा सरकार की रज के फजीहत हो रही है और हरियाणा पुलिस उत्ते रज के जिहड़े सवाल है लोगों वल्लों उठाए जा रहे हैं। पर हुण इस तो बाद हरियाणा पुलिस लिपापोची करन दे मोड़ दे विच आ गई है। हरियाणा पुलिस दे खासकर करनाल दे अधिकारियों वल्लों हुण बयान देने मीडिया दे विच शुरू हो गए ने अते ओह बड़े सौखे जे तरीके नाल इस उत्ते लिपापोची करन दी कोशिश कर रहे हैं। सब तो पहला डीसी करनाल दे तुहानूं बयान सुनाउणे आ किस तरह वो इस मामले तो भजदे नज़र आए अते उन्हां वल्लों जो भी लाठीचार्ज किया गया उस उत्ते सिद्धम सिद्धा कुछ भी कहण तो मना कर दिता गया अते गल्लां नूं गोल मोल किया गया। आओ सुनते हैं डीसी करनाल का बयान। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाठीचार्ज वगैरह हुआ है, आज सीएम साहब का कार्यक्रम भी था इस संदर्भ में। इस सिलसिले में हमारे यहाँ आज करनाल में प्रेम प्लाजा रेलवे रोड पे सीएम साहब का प्रोग्राम था और उसमें प्रदेश सरकार के कई मंत्रीगण भी थे, माननीय मंत्री महोदय थे, माननीय विधायकगण थे, बाकी अन्य गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए थे। इस सिलसिले में किसानों की तरफ से कॉल कल शाम को आई थी कि वो इस प्रोग्राम का विरोध करेंगे। उसके बाद हमने किसान नेताओं से बात भी की थी और उनसे आग्रह किया था कि शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन रखें। अगर उनको विरोध करना है तो हमने विरोध के लिए बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे विरोध की साइट, प्रोटेस्ट साइट ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई है और रोज़ाना वहाँ पर धरना किसानों का चलता है। तो हमने उनसे आग्रह किया था कि वहीं पर अपना धरना प्रदर्शन करें और आज सुबह से लगभग 9 बजे से वहाँ उन्होंने गैदरिंग शुरू कर दी थी। लोग इकट्ठे होने लग गए थे। प्रशासन की तरफ से हमने पूरी व्यवस्था की हुई थी, जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे नाके लगे थे, चेकिंग की जा रही थी कि कोई भी प्रोटेस्टर जो है वो वेन्यू पे ना पहुँचे। बाद में जैसे जैसे जो प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनकी संख्या बढ़ती गई तो लगभग 11, 11:30, 12 बजे के आसपास एक बार तो उन्होंने करनाल की तरफ जो है चलने की कोशिश की ताकि कार्यक्रम में व्यवधान पहुँचा सकें और उसके बाद मुख्यतः उन्होंने नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की और कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे को जाम भी रखा। इस वजह से लगभग दोनों तरफ 2-2, 3-3 किलोमीटर तक कुछ समय के लिए नेशनल हाईवे में जाम लग गया। हमने उनसे बात की, जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स वहाँ पे थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, SDMs थे, DSPs थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया, नेताओं से भी बात की कि भाई जनरल पब्लिक को परेशानी हो रही है तो आप उसमें जाम बिल्कुल ना लगाएं और अगर आपको प्रदर्शन करना है तो टोल पे काफ़ी बड़ी जगह है तो वहाँ पे आराम से बैठ करके प्रदर्शन करें। फिर भी उन्होंने उसको हाईवे को जाम रखा और ना मानने की वजह से पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, जिसमें कुछ किसानों को चोटें आई हैं, कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, लेकिन ये बल प्रयोग सिर्फ सिंबॉलिक था ताकि हाईवे क्लियर हो जाए और विद इन आई थिंक 15-20 मिनट में हाईवे क्लियर हो गया था। अभी भी हाईवे ठीक ठाक चल रहा है। हमारी सभी किसान भाइयों से अपील है कि वो उनको जो विरोध करने का हक है वो बिल्कुल है और हमने प्रोटेस्ट साइट भी बनाई हुई है, किसी को भी विरोध करना है तो वो साइट पर बैठ करके करे। लेकिन अगर यातायात व्यवस्था में, नेशनल हाईवे की रनिंग में, कानून व्यवस्था में कोई अड़चन डालेगा तो हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी भी सूरत में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई नेशनल हाईवे को, ट्रैफिक की आवाजाही को रोके। किसी की मौत के चलते आज पूरे करनाल में आम नागरिक भी बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे जो बच्चे थे, हॉस्पिटल जाना था, एम्बुलेंस को भी रोक दिया गया, ये कैसे व्यवस्था? देखिए, इसमें जो है कल, चूंकि ये फंक्शन 2-3 दिन पहले ही प्लान था तो कल हमने ऑलरेडी एडवाइजरी जो है ट्रैफिक की जारी की हुई थी, लोगों को मीडिया के और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बताया गया था। इसके अलावा हमने जो जितने भी नाके लगाए थे वहाँ पे हमने सिर्फ वो नाके किसी भी रोड को बंद करने के लिए ना लगा करके चेकिंग के नाके लगे थे, फ्रिस्किंग के, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व प्रोग्राम में ना आए और हर एक नाके पे अल्टरनेटिव रूट्स अवेलेबल थे तो उनको बाकायदा डायरेक्ट करके भेजा गया है कि इस रूट से ना जाके आप कृपया करके इस रूट से जाएं। जो प्रेम प्लाजा पे जो फंक्शन है वो बीजेपी पार्टी का अपना फंक्शन है
और जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था होने के नाते प्रशासन ने कोई उनको सुझाव नहीं दिया कि इसको शहर से बाहर भी कर सकते थे, शहर की आम जनता इतनी परेशान हो रही है। देखिए ये आयोजन है, ये शांतिपूर्वक है और इसमें किसी भी तरह गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सर एक वीडियो जारी करके कहा है कि सभी हाईवे को जाम कर दिया जाए किसानों की तरफ से, मतलब देखिए जो हमारे किसान लीडर्स हैं उनसे मेरी आग्रह रहेगा चढ़ूनी साहब से भी बाकी नेताओं से भी जो हमारे जिले के बीकेयू ग्रुप के नेता हैं, हमने उनसे बात भी की है, उनसे आग्रह भी किया है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करें, किसी भी रास्ते को बंद ना करें। अगर रास्ते को बंद करते हैं तो फिर लोगों को परेशानी होती है आवाजाही में और फिर उसमें मजबूरन जो है हमें कदम उठाना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन रास्तों को बंद ना करके पीसफुल प्रोटेस्ट करें उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ गर्भवती महिलाओं को भी रोका गया जबकि ज्यादा इमरजेंसी थी, कुछ केसेस सामने आए हैं एक दो जगह, उनको इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करा दिया गया था और हर रास्ते की हमने ऑल्टरनेटिव व्यवस्था बनाई है, डाइवर्जेंस के थ्रू उनको ऑल्टरनेटिव रूट्स जो खाली रूट्स थे उस पर लोगों को भेजा गया था और जो यहाँ की सारी अरेंजमेंट है लोगों का जो ट्रैफिक व्यवस्था है पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही है। ऐसा सुझाव दिया जाएगा आने वाले समय में कि शहर में ना प्रोग्राम करके कहीं बाहर खुली जगह में या कहीं और ऐसा किया जाए ताकि आम नागरिक परेशान ना हो? देखिए सिटी में प्रोग्राम्स होते रहते हैं और उसको कोई व्यवधान डालने की कोशिश करता है, वो चाहे शहर के अंदर हो चाहे हाईवे पे हो, हाईवे पे भी कोई भी प्रोग्राम कराएं तो उसमें और ज़्यादा थ्रेट है क्योंकि हाईवे जाम होने का खतरा है, जबकि ये हाईवे तो बड़ा क्रिटिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकली भी, तो किसी भी कुमत कीमत पे हम नेशनल हाईवे जो है डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। देखिए ट्रैफिक रूट्स जो बताए गए थे ट्रैफिक रूट्स के हिसाब से ही ज़्यादातर लोगों ने सब लोगों ने कोऑपरेट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं किसी को बहुत ज़्यादा, मैं मानता हूँ कि समय उनके ट्रैवल में ज़्यादा लगा होगा बट बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो ऐसा मैं लोगों के काम भी बाधित हुए और उसके बाद चूँकि अरेंजमेंट्स के जस्ट बाद हमने बेसिकली जो नाके हैं हमारे फ्रिस्किंग नाके कर दिए ताकि किसी को भी आवाजाही में परेशानी ना आए। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जैसा कि आम जनता को कैसे पता चलेगा, कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो प्रशासन की और पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी है, इसी जिम्मेदारी के तहत हमने कुछ नाके लगाए थे और साथ में ही वैकल्पिक मार्ग भी आसपास में मौजूद थे, साथ ही हमने कुछ मार्गों पे केवल फिशिंग के हिसाब से लगाए थे ताकि चिन्हित करके भेजा जा सके, कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो कार्यक्रम को जानबूझ करके उपद्रव फैलाना चाहते हो या कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करना चाहते हो, तो पुलिस ने अपनी तरफ से जो भी आज व्यवस्था की है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की। सर हम गीता द्वार की बात करें वहाँ से अगर किसी को टू व्हीलर पे आना तो किस रूप से आते हैं, ये किन संदर्भ में, मतलब कि जैसे आप रास्ते बंद करते हैं सुरक्षा व्यवस्था बैरिकेडिंग होती है लेकिन बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं रस्सियां लगा के बंद किया हुआ है, मतलब कि एक प्रॉपर ऐसा किया हुआ कि जैसे जैसा कि आपको बताया कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जो भी हमें कदम उठाने थे कानून के दायरे के तहत रहते हुए वो हमने कदम उठाए। सब पत्रकारों को धमकियां भरे जो फोन आते हैं हमको धमकाया जाता है, ये कोई आपका कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई मामला है तो हमारे संज्ञान में आप जरूर डालें, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। सर क्या सुने डीसी करनाल का बयान के किस तरह होने इस लाठी चार्ज नूं जिहड़ा जस्टिफाई करन दी कोशिश हरियाणा पुलिस दे अधिकारियों वालों लगातार जारी है, किस तरह हुण ओह गोल मोल जिहड़े है सवालों के जिहड़े सवालों के जवाब है उन्होंने गोल मोल करके दे रहे हैं, कुछ भी सीधे रूप दे विच ओह कहना नहीं चाहते और वह बार बार यही कह रहे हैं कि साढ़े उपर पहला पत्थरबाजी हुई जो कि अपने आप दे विच वड्डे सवाल खड़े करता है। इस तो बाद ADGP करनाल ला एंड आर्डर नवदीप सिंह विर्क ने भी मीडिया सामने आके अपना अपना जिहड़ा पक्ष रखे और उन्होंने भी कहा कि साढ़े ते पत्थरबाजी हुई, पहला सुनो ADGP ला एंड आर्डर नवदीप सिंह विर्क का बयान कि उन्होंने इस मामले के उपर की कहा और किस तरह वो इस पूरे मामले को जस्टिफाई करते नजर आए। आज 28 अगस्त को करनाल में जो बसाड़ा टोल प्लाजा पे घटना हुई है उसके बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। सुबह करीब 12 बजे वहां कुछ किसान प्रदर्शनकारी जो मौजूद थे उन्होंने जबरदस्ती नेशनल हाईवे को जाम किया और जबरदस्ती करनाल शहर की तरफ जाने की कोशिश की। जब उनको वहां पे मौजूद कर्मचारियों ने अधिकारियों ने समझाया कि आप वहां नहीं जा सकते हैं तो उसके बाद उन्होंने उग्र एक रूप ले लिया
और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पे पत्थर फेंके, कुछ लोगों ने कसी वगैरह से भी अटैक करने की कोशिश की। उसके बाद नियमानुसार पुलिस बल ने एक हल्का बल प्रयोग किया और उनको वहां से हटाया। इस विषय में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 किसान भाइयों को चोट आई है और 10 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है। इस विषय में मैं आपको कुछ बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 7 जून 2021 को टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ लीडर्स के साथ हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने हमें एक लिखित आश्वासन दिया था कि आगे से हम कभी भी उग्र रूप नहीं धारण करेंगे अपने प्रदर्शन का और शांतिप्रिय ढंग से हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उसके बाद काफी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें उन्होंने वायलेंट मीन्स का सहारा लिया है और जब भी एक कोई भी प्रदर्शन वायलेंस पर उतर आता है तो पुलिस की एक ये ड्यूटी बनती है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। सो तुसी सुनिया ADGP लॉ एंड ऑर्डर करनाल नवदीप सिंह विर्क का बयान। किस तरह तमाम अधिकारी DC तो लैके ADGP तक इस लाठीचार्ज में जायज ठहराने की कोशिश कर रहे और कह रहे हैं कि साढ़े ते पत्थरबाजी हुई, पर इस बयान के उत्ते काफ़ी सवाल खड़े होंगे क्योंकि यह धरना 9 महीनों तो चल रहा है, इस तो पहला कदे भी पत्थरबाजी नहीं हुई। किसानों को इन्ने ज़्यादा पत्थर कितों आ गए कि वह इन्नी वड्डी गिनती पुलिस से पत्थर मारे गए, पर जेकर किसान लाठीचार्ज की वीडियोग्राफी कर सकते हैं तो पुलिस को भी कोई वीडियोग्राफी होनी चाहिए आ जिस किसान पत्थरबाजी करते नज़र आन, पर पुलिस वालों अजे तक कोई भी अजिही वीडियो जारी नहीं की गई जिस किसानों वालों पत्थरबाजी की जी घटना है वो सामने आई हो। जे पत्थरबाजी की भी गई तो कि यह बयान जायज़ है कि सीधा सिर च डंडा मारो, जबकि उदों तो पत्थरबाजी हो भी नहीं रही सी। सवाल यह है कि लाठीचार्ज तो पहला ही जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वह कह रहे हैं कि मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट थोनू रिटन ऑर्डर दे रहा कि डंडा सिर च मारिया जाए, उस बारे कोई भी अधिकारी क्यों नहीं बोल रहा कि उदों भी पत्थरबाजी हो रही सी या ड्यूटी मजिस्ट्रेट अंतरजामी ने जिन्हें ने पहले ही भांप लिया कि पत्थरबाजी होगी तो असी डंडे सिर च मारांगे। जे पत्थरबाजी हो भी रही सी तो डंडे सिर दे विच मारने, इस तरह मारने के खून बह जाए, किसानों नू हस्पताल भर्ती करवाना पवे, ये कितना क जायज़ है? इस दे विचों किसी साजिश की जिहड़ी है वह बू आ रही है और किसानों के उपर लाठीचार्ज नू इस तरह जायज़ ठहराना ये वाकई शर्मसार कर देने वाली गल है, वाकई जिहड़ी हरियाणा पुलिस के लिए वड्डी नमोशी वाली गल है। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के उत्ते कदों जांच बिठाई जाएगी, कदों कार्रवाई होगी, इस बाबत कोई भी अधिकारी नहीं बोल रहा। हुण हर अधिकारी किसानों के उत्ते जिहड़ा है वह नुक्स कढ रहा, पर उस जिहड़ा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नुक्स कौन कढेगा जो कैमरे पर कह रहा कि सिर तोड़ देना। फिलहाल इस मामले दे विच की होगा ये वक्त दसेगा, पर किसानों का विद्रोह जिहड़ा वह लगातार जारी और उन्हों का सीधे तौर पर कहना कि सबर का मुकाबला जिहड़ा जबर का मुकाबला वह सबर के नाल कीता जाएगा, असी जाबता रखांगे, असी कोई भी अशांतमई कदम नहीं चकांगे, पर साडा जिहड़ा शांतमई विरोध प्रदर्शन वह जारी रहेगा। देश दुनिया दीआं तमाम ताज़ा तरीन खबरां दे लई वेखदे रहो OIS of Punjab TV।